अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इर्तिका चैनल में आज आपको हम खुदा आमदीद करते हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है हमारा नो बेक केक। नो बेक केक का ये है कि वो सिंपल, इसमें बेकिंग इन्वॉल्व नहीं होगी, जस्ट हम सिंपल 3 इंग्रेडिएंट केक बनाएंगे। हमारे पास इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं बिस्किट्स आप कोई भी फॉर्म में ले सकते हैं, हमारे पास ये अवेलेबल हैं। तो अप्रॉक्स ये 40 बिस्किट्स हैं, तो कोई भी बिस्किट्स, लेफ्ट ओवर बिस्किट्स भी होते हैं तो उनको भी आप मिक्स कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है 1 कप मिल्क है, लेकिन ये स्मॉल है तो आप इसको कंसिडर कर लें 1.5 कप मिल्क कर सकते हैं या 1/2 कप, डिपेंड करता है कि चॉकलेट की, ये बिस्किट्स की कंसिस्टेंसी कैसे आएगी। थोड़ी सी हम ये डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट ली है फॉर गार्निशिंग पर्पस। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और इसके अलावा अ बिट ऑफ बटर। तो प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं कि इसकी कैसे प्रोसेस करते हैं। ब्लेंडर में एक जो है हम ऐड करेंगे इस तरह से बिस्किट्स को। अगर आपके पास ब्लेंडर वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है तो आप इसको क्रश कर सकते हैं सिंपली। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे मिल्क को ताकि ब्लेंडिंग में इजी हो जाए। अब इस ब्लेंडेड जो हमारे चॉकलेट का बैटर है इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जो है अप्रॉक्स बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, उसे अच्छी तरह से फिर ब्लेंड कर लेंगे। इसके साथ हम, अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद हम इसको अपना जो मोल्ड हमारा अवेलेबल होगा हम उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम अपने बैटर को, एक हमारे पास जो एल्युमिनियम का एक मोल्ड अवेलेबल है, आपके पास बाज़ार में आराम से मिल जाता है, अगर आपके पास कोई और बर्तन भी है तो उसमें भी कर सकते हैं। इसको पहले अच्छी तरह से ऑयल कर लें ताकि आपका केक जो है वो उसके पर स्टिक ना करे। ये हमने जो ऑयल या बटर इसमें ऐड किया जिसकी वजह से इसकी इतने मज़े की कंसिस्टेंसी बनी है, तो इसको पूरी तरह से आप ट्रांसफ़र कर लें। अब हमने ये प्री हीटेड पैन में, या आपके पास कोई देगचा या बड़ा मर्तबान है या एनी सॉर्ट ऑफ आपके पास कोई बड़ा सा पड़ा हुआ है तो उसके अंदर आप ये स्टैंड के अंदर रख के केक के बैटर को हम कवर करेंगे लिड के साथ, और उसके बाद हम आपको बताएंगे हमने टोटल कितने मिनट्स के लिए इसको कवर अप किया है। मेक श्योर करें कि इसके अंदर कोई बबल्स ना हो या बहुत ज़्यादा प्री हीटेड ना हो, वरना आपका केक जल जाएगा। ग्रेटर की मदद से वाइट चॉकलेट को ग्रेट कर लें। बस दो पड़ी हुई, एक मैं यहाँ पे सर में गाऊंगी, एक मामू गाय का, एक मैं सर में गाऊंगी, एक मामू सर में गाय का। फिर आती है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।